आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। उन्वान है चांद बीबी। इससे पहले हमने जो क्लास ली उसमें हमने चांद बीबी के दो पैराग्राफ पढ़ चुके और उसके बाद से हम किताब में पढ़ेंगे। तीसरे पैराग्राफ पर आप उंगली रखिए, पढ़िए। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। वक्फा। उसे कोई औलाद ना थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। वक्फा। उसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। वक्फा। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए। वक्फा। तालाब, कौमा, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। वक्फा। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। वक्फा। उसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। वक्फा। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। वक्फा। उसे खौफ था कि दुश्मन की फौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेगी तो किले के अंदर लोग भूखों मर जाएंगे। वक्फा। उसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। वक्फा। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। वक्फा। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। वक्फा। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। वक्फा। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। वक्फा। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। इस तरह आपको याद करना है।
और ये पूरा सबक, पूरे पैराग्राफ इस सबक के अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है।